साफ कर दो। सैनिटाइजर कोरोना महामारी के इस दौर में आपने सड़कों पर एम्बुलेंस मरीजों को ले जाते हुए तो बहुत देखी होंगी, लेकिन राजधानी भोपाल में इन दिनों एक ऑटो एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ रही है जो मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रही है। ऑटो चालक जावेद, इन्होंने अपने ऑटो को एक एम्बुलेंस में तब्दील किया है। इस एम्बुलेंस ऑटो एम्बुलेंस में सारी सुविधाएँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ऑटो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा हुआ है, सैनिटाइजर है, मास्क है, ऑक्सीमीटर है, सारी चीज़ें इस एम्बुलेंस जो ऑटो एम्बुलेंस में मुहैया कराई हैं। ये काम किया है जो जावेद भाई हैं, इन्होंने, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कैसे इसको सोचा ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील करने का। जावेद भाई बताइए। मैं ये सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और काफ़ी जगह देखा कि लोग अपने माँ बाप को कंधे पे लेके जा रहा है, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई तड़प रहा है रोडों पे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम मानव सेवा के लिए आगे आए, हम भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और उसको कम्प्लीट करा कि लोगों को हमें अस्पताल पहुँचा सके, जिससे लोगों की जान बच सके। हम खाली मदद कर सकते हैं, बचाने वाली ऊपर वाला है भगवान। ये बताइए कि ये व्यवस्था कैसे की आपने? मैंने पहले छोटे स्तर से इसकी शुरुआत की थी, इसमें कुछ भी नहीं था। मेरे बीबी का सोने का लॉकेट था, वो बेच के मैंने इसकी शुरुआत की थी, मतलब जाना आना, उससे पेट्रोल डलवाना, गैस डलवाना। तो फिर हमने फिर सोचा कि और मदद मांगे, तो हमने फेसबुक पे डाला था इसका कि इसको एम्बुलेंस बना दिया जाए। तो कुछ नरेश जी हैं दवा बाजार के अंदर, उन्होंने हमारी मदद करी, उन्होंने ऑक्सीमीटर दिया, भारती जी ने उन्होंने सिलेंडर दिया, और हमारे फैजान भाई हैं उनने भी बहुत मदद करी इसको भरवाने में। ये बताइए कि इसके लिए जैसे जो खर्च आता है ले जाने के लिए मरीज को, उसको कैसे भरपाई करते हैं? वो फ्री करते हैं, फ्री सेवा है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं उसका। आप जहाँ भी होंगे भोपाल के अंदर, मैं आऊँगा और वहाँ पर आके पूरा कर दूँगा मैं आपको। आपने इसके लिए कोई नंबर वगैरह कुछ किया है क्या? जी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे और पब्लिक पे इसको शो करा, नंबर को डाल के रखा था, उसको बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट करा, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने सपोर्ट करा, शेयर करा उसको, तो लोगों तक इसकी जानकारी पहुँची। अब तक कितने मरीजों को आप अस्पताल, घर से अस्पताल पहुँचा चुके हैं? मैं 12-13 मरीजों को अस्पताल पहुँचा चुका हूँ, और उससे ही पहले ही पहुँचा चुका नॉर्मल मरीज, जो देखा ना जिसको ऑक्सीजन की कमी, तो हमने सोचा कि ऑक्सीजन लगा दें, तो ऑक्सीजन के अभी तक 9 मरीज पहुँचाएँ, उससे पहले बहुत से मरीज पहुँचाएँ हमने। तो ये थे जावेद खान जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने जो एक जेवर बेचने के बाद ये जो ऑटो है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा, ऑक्सीमीटर खरीदा, और इसके बाद इस पूरे ऑटो को ऑटो एम्बुलेंस में बदला। कैमरामैन फैजान के साथ अजीत तिवारी, ETV भारत, भोपाल।